नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। खबर महाराष्ट्र से आ रही है। वर्धा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, 7 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। बीजेपी विधायक विजय रहंगदाले के बेटे की भी मौत हुई है, कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। सवांगी के मेडिकल कॉलेज के छात्र थे सभी मृता, कार अनियंत्रित हो गई थी, पुल से नीचे गिर गई। महाराष्ट्र के वर्धा में भीषण हादसे की जानकारी, 7 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मौत, सड़क हादसा हुआ है। बीजेपी विधायक विजय के बेटे की भी मौत की खबर है, कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई थी। और ये जो सभी मृतक हैं वो सवांगी के मेडिकल कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। अरुणिल मुझे और जानकारी देंगे। अरुणिल, क्या अपडेट है और कैसे हादसा हो गया? ये बहुत दुख भरी घटना सामने आ रही है वर्धा जिले महाराष्ट्र में से, जहाँ से मेडिकल स्टूडेंट्स जो अपने घर से कॉलेज की तरफ जा रहे थे, उनकी कार टॉपल हो गई, उनका कार का बैलेंस छूट गया और फिर बाद में कार जाके वो ब्रिज के ब्रिज पे जाके टकल गई। ब्रिज के उसके बाद फिर वो टॉपल होके नीचे गिर गई रिवर में। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि ये छात्रों को बचाया जा सके, बट अनफॉर्चुनेटली 7 जो छात्र ये कार में जो ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी में, उनकी मृत्यु हो गई है। उनमें से एक जो छात्र है वो गोंदिया के जो एमएलए उनके बेटे बताए जा रहे हैं। तो काफी दुखद भरी घटना ये सामने आ रही है वर्धा से, जहाँ पे 7 मेडिकल स्टूडेंट्स उनकी मौत हो गई है कार एक्सीडेंट। ठीक है अरुणेल, आप नजर रखिएगा, अपडेट के लिए हम लौटेंगे वापस।